या ग्लोब देखने अनेक प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा प्राप्त की थी। यानी ग्लोब एक प्रकार के नहीं होकर के ग्लोब विभिन्न प्रकार के होते थे। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था, ये जो आपको ग्लोब दिखाया था, इस ग्लोब के पश्चिम से पूर्वी पर खींची गई जो रेखा है उसे विश्व त्वरक के नाम से जाना जाता है। यानी विश्व त्वरक के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है। अब हम आगे चर्चा करेंगे विश्व त्वर से लेकर के दूर तक जो सभी खींची गई समांतर रेखा है, समांतर वृत्त है, इन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हीं सभी विश्व रेखा से लेकर के विश्व त्वरक से लेकर के दूरों तक खींचे गए सभी वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विश्वभर के उत्तर में जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे उत्तरी अक्षांश, और विश्वभर के दक्षिण में जो रेखा खींची जाती है उसे दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसी प्रकार विश्वभर विश्व त्वरक हमें
दक्षिणी अक्षांश। इसके साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण वर्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण कौन कौन से, जैसे स्तंभ जीरो अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में ये जो आपको विश्व पर के उत्तर में जो दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री, उसे करक रेखा यानी विश्व पर के उत्तर में स्थित है, तो ये
बैठ